हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, केक का नाम सुनते ही बच्चे हो या बड़े सब खुश हो जाते हैं। सही कहा ना, आज हम रवा केक बनाएंगे एकदम नए तरीके से। आप अगर पहली बार भी केक बनाएंगे तो भी खराब नहीं होगा, इतना आसान तरीका मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों, एकदम बेकरी जैसा बनता है, एकदम टेस्टी बनता है और सबको बेहद पसंद भी आता है। बहुत ही आसानी से झटपट बनने वाला ये रवा केक आप जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। चलो दोस्तों, रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो दोस्तों, फटाक से करते हैं रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एक मिक्सर जार ले लेना है। मिक्सर जार के अंदर 2 कप ऐड करेंगे बारीक रवा। आपके पास अगर कप नहीं है दोस्तों तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कटोरी से भी नाप के ऐड कर सकते हो। सारा मेजरमेंट इसी कप से हम करने वाले हैं। 2 कप हमने रवा लिया है तो 1 कप भर के हम लेंगे पिसा हुआ शुगर पाउडर। मैंने घर पर तैयार किया है शुगर पाउडर दोस्तों। 1 कप भर के हमने शुगर पाउडर ऐड कर लिया। 1 कप भर के ऐड करेंगे कम खट्टा वाला दही। 1 कप भर के हम लेंगे रिफाइंड ऑयल, बिना फ्लेवर वाला ऑयल होना चाहिए दोस्तों। 1 चम्मच ऐड करेंगे इलायची पाउडर। ढक्कन लगा के सारी चीज़ों को मिक्सर जार के अंदर ऐड करके पीस लेना है हमें। रवा को एकदम बारीक नहीं पीसना है दोस्तों, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें पीसना है। बीच बीच में चेक करते रहना है। केक का बैटर रेडी हो चुका है दोस्तों, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से रेडी हो चुका है। देखिए दोस्तों, मुझे दूध ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आपका बैटर अगर ठीक लग रहा है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए 2 से 4 चम्मच के करीब दूध। हम ढक के रखेंगे इसको 20 से 25 मिनट के लिए। रवा हमने ढक के रख दिया है, तब तक हम यहाँ पर ट्रे रेडी कर देंगे। केक ट्रे के अंदर हम ऑयल लगा लेंगे, आप चाहे तो बटर भी लगा सकते हो। इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मैदा। आपके पास अगर बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा लीजिए। मेरे पास अभी बटर पेपर ख़त्म हो चुके हैं तो मैंने इस तरीके से देखिए मैदा लगा लिया है। ऐसा करने से केक हमारा आसानी से बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पर हम लेंगे टूटी फूटी। टूटी फूटी की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा ले सकते हो। आप ड्राई फ्रूट भी ऐड करना चाहते हो तो उसको भी बारीक कट करके ऐड कर सकते हो। टूटी फूटी के अंदर मैंने मैदा ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। 20 से 25 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे रवा हमारा अच्छे से फूला है कि नहीं। आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। दोस्तों, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है देखिए दूध ऐड करने की। अगर दूध ऐड करूँगी तो ज़्यादा पतला हो जाएगा बैटर, मुझे बिल्कुल भी पतला नहीं करना, इसी तरीके का होना चाहिए, एक साथ घिरना चाहिए बैटर। देखिए अब ऐड करेंगे टूटी फूटी। टूटी फूटी के अंदर मैदा ऐड करने से टूटी फूटी हमारी एक साथ नीचे नहीं बैठ जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है टूटी फूटी को बैटर के अंदर। बहुत ही परफेक्ट तरीके से बैटर रेडी हो चुका है दोस्तों, ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब ऐड करेंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच ऐड करना है हमें बेकिंग पाउडर। ये प्रोसेस बहुत अच्छे से करनी है दोस्तों, अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक ही साइड से चलाते रहना है देखिए, और ज़्यादा नहीं फैटना है, बस बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अच्छे से बैटर के अंदर मिक्स हो जाए तब तक इसी तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है, ज़्यादा फैटने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमारा बैटर रेडी है, हमने ट्रे के अंदर भी ऐड कर लिया है। देखिए अब ऊपर से थोड़ा गार्निशिंग करेंगे टूटी फूटी से, आप चाहे तो किशमिश, बादाम, काजू से भी इसको गार्निशिंग कर सकते हो, अगर आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद है तो। मेरे घर में बच्चों को ड्राई फ्रूट नहीं पसंद है ज़्यादा, तो मैंने टूटी फूटी ऐड किया है दोस्तों। मैंने यहाँ पर भगोना गर्म करने के लिए रख दिया था और इसके अंदर मैंने
नमक भी ऐड कर दिया था। नमक अच्छे से गर्म हो गया है तो इसके अंदर इस तरीके से एक स्टैंड रख देना है, देखिए केक ऊपर रखने के लिए। अब रखेंगे केक, हमने भगोने को एकदम अच्छे से हीट दे दिए, बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब ढक्कन लगा के इसको 40 से 50 मिनट के लिए स्लो गैस के ऊपर पकाना है। दोस्तों जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है केक में, 50-60 मिनट जितना भी लगे इसको पका लेना है। तो दोस्तों 50 मिनट हो चुकी है मेरे केक को, अब चेक कर लेंगे। बार बार बीच बीच में खोलना नहीं चाहिए केक को, नहीं तो बैठ जाता है केक हमारा। तो दोस्तों 50 मिनट से ऊपर हो चुका है हमारा केक, हम चेक कर लेंगे रेडी हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हो एकदम अच्छे से क्लीन निकल रहा है हमारा चाकू, आप देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है केक। अब हमें केक को ठंडा कर लेना है, फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही फैन के नीचे ठंडा कर लेना है दोस्तों। और अभी मेरा केक अच्छे से ठंडा नहीं हुआ है, थोड़ा गर्म है, फिर भी मैं इसको निकाल लूँगी एक प्लेट के अंदर ताकि ये जल्दी से जल्दी ठंडा हो जाए। दोस्तों बहुत ही आसानी से बनने वाला ये केक है और रवा केक सबको बेहद पसंद भी आएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा केक निकल चुका है दोस्तों, बहुत ही आसानी से बन के रेडी हुआ है हमारा केक। और अच्छे से जब ठंडा हो जाए केक बाद में ही कट करना चाहिए, गरम गरम को केक कट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों गरम गरम केक नहीं खाना चाहिए, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। जब अच्छे से ठंडा हो जाए ना 2 से 3 घंटे बाद केक खाना चाहिए, तो उसका टेस्ट जो होता है ना बहुत अच्छा आता है। अभी भी थोड़ा अंदर से गर्म है हमारा केक, आप देख सकते हो एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। दोस्तों मेरी वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक।